वक्री ग्रहों की दशा में देशाटन, व्यसन एवं अत्यधिक भागदौड़ का योग बनता है। कुंडली में जो भी ग्रह वक्री होता है वह अपनी दशा और अंतरदशा में प्रभावशाली फल प्रदान करता है और ग्रहों की अपेक्षा बुध ग्रह के वक्री होने पर मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध के शुभ या अशुभ फल का प्रभाव उसके अन्य ग्रहों के साथ संबंधों एवं अन्य तथ्यों के आधार पर किया जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल देने वाले बुध वक्री होने की स्थिति में उस कुंडली में शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर कुंडली में अशुभ अवस्था में बुध विराजमान है तो वह वक्री होने की स्थिति में अशुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। वक्री होने से हम बुध ग्रह के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। बुध के वक्री होने पर जातक के व्यवहार और उसकी बौद्धिकता पर प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि बुध को हम बुद्धि का कारक मानते हैं। इस कारण से वक्री बुध के प्रभाव स्वरूप उसके विचारों में भिन्नता देखी जा सकती है। किसी भी जातक के बातचीत करने की क्षमता तथा उसके निर्णय लेने की क्षमता दोनों में ही अंतर की स्पष्टता को देखा जा सकता है। वक्री बुध के प्रभाव में आकर जीवन में कई अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति अकस्मात होने वाले परिवर्तनों में कुछ अनचाहे निर्णय ले सकता है। बुध का वक्री स्वरूप जातक की बुद्धि, वाणी, अभिव्यक्ति, शिक्षा एवं साहित्य के प्रति व्यक्ति के लगाव को प्रभावित करता है। बुध वक्री होने की दशा में जातक का लेखन कार्यों की ओर ज्यादा लगाव करवाता है। वक्री बुध व्यक्ति में झुंझुलाहट और झल्लाहट उत्पन्न करता है। बुध का प्रभाव जातक को आखिरी समय पर अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। मीडिया एवं संचार क्रांति पर बुध का प्रभाव रहता है। इसे लेखन संप्रेक्षण का कारक ग्रह माना गया है। हास्य क्षेत्र भी बुध से प्रभावित होते हैं। बुध के प्रभाव से ही व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक बोलता है, तो बुध हमारे बुद्धि, व्यापार और बैंकिंग क्षेत्रों का कारक ग्रह माना गया है। आने वाले मई माह में बुध वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। बुध का वृषभ राशि में वक्री होना 10 मई 2022 को शाम को 5:16 पर होने जा रहा है। तो बुध के इस वृषभ राशि में वक्री होने की स्थिति में हमारी 12 राशियों पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बुध की वक्री अवस्था का। हमारी अंत की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध का गोचर अनिश्चितताओं के अष्टम भाव पर होने जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। साथ ही इस समय अवधि में आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है। जो भी जातक स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस समय अवधि में भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होने वाला है। आपको किसी भी प्रकार के निवेश में इस समय अवधि के दौरान सावधानी बरतनी होगी। यह अवधि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से भी नकारात्मक स्थितियां लेकर आ सकती है। आपको इस समय अवधि में एलर्जी, घबराहट, तनाव और तंत्रिका से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा। आप इस समय अवधि में बेकार की चीजों में धन खर्च करते हुए नजर आएंगे। इस समय अवधि में अस्पताल में भी आपका धन खर्च हो सकता है। तुला राशि के जो जातक मनोविज्ञान और शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय अवधि बेहद अनुकूल सिद्ध होने वाली है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध सप्तम भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे, जिसे हम दाम्पत्य और साझेदारी का भाव मानते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यह अवधि आपके जीवन में मतभेदों को उत्पन्न कर सकती है। वैवाहिक जीवन में कई सारे बाहरी लोगों का हस्तक्षेप
आपकी परेशानी को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी इस वक्री अवस्था का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए यह अवधि बेहद शानदार रहने वाली है। इस समय अवधि में आपके सामने कोई अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। अतीत में आए हुए कुछ प्रस्ताव भी पुनः से दोबारा प्रबलता के साथ आ सकते हैं। जो जातक साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें इस समय अवधि में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका साझेदार आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है। बुध की इस वक्री अवस्था के दौरान आपको किसी भी प्रकार के निवेश से बचना होगा, क्योंकि आपके साथ इस समयावधि में धोखाधड़ी हो सकती है। किसी भी जातक को इस समयावधि के दौरान किसी को पैसे उधार देने से बचना होगा, अन्यथा आपको पुनः वापस मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए कुछ दिक्कतें लेकर आ सकता है। अगर पूर्व में किसी प्रकार की बीमारी से आप ग्रसित थे, तो वह बीमारी पुनः से लौटकर आ सकती है। जो जातक वैवाहिक जीवन में कुछ विवादों या तनाव का सामना कर रहे थे, उन्हें इस समय अवधि के दौरान उस तनाव और विवादों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ वार्ता करते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह समय अवधि बेहद अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आप अपने व्यवसाय में वृद्धि देख सकते हैं। आप इस समय अवधि में अपने व्यवसाय में वृद्धि और तरक्की के लिए पुराने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जो जातक अकाउंट प्रोफेशनल और बैंकर्स हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि बेहद अनुकूल रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों और बॉस की ओर से सराहना और प्रोत्साहन मिल सकता है। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को भी इस समय अवधि के दौरान बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध संतान शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में छात्र जातकों के एकाग्रता में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आपके अंदर चीजों का विश्लेषण करने की क्षमता में भी वृद्धि होने वाली है। जो भी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वह जातक भी इस समय अवधि के दौरान शुभ परिणामों को प्राप्त करेंगे। आपको इस समय अवधि में परीक्षाओं में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जिन जातकों की कुंडली में बुध की शुभ अवस्था बनी हुई है, उन जातकों को अपने संतान पक्ष की ओर से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। वहीं जिन जातकों की कुंडली में बुध की अशुभ स्थिति बनी हुई है, उन्हें अपने संतान पक्ष की ओर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने अंदर ताजगी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें, तो आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके बच्चों का स्वास्थ्य आपके चिंता का कारण बन सकता है। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन छोटे बच्चों को हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध माता और सुख के चतुर्थ भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में आप अपने घर के नवीनीकरण के बारे में सोच सकते हैं। बुध की यह वक्री अवस्था आपके घर के माहौल में भी कुछ नकारात्मकता लेकर आ सकती है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपके घर के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अगर आप किसी भूमि या संपत्ति पर निवेश करने की सोच रहे थे, तो इस समय अवधि में आप किसी प्रकार का निवेश भूमि या संपत्ति पर कर सकते हैं। जो जातक परिवार से बहुत दूर रहते हैं, वह इस समय अवधि के दौरान अपने घर में लौटकर अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करें, तो यह वक्री अवस्था आपको अपने माँ के स्वास्थ्य के प्रति कुछ नकारात्मक परिणाम दे सकती है, तो आपको इस समय अवधि के दौरान अपने माँ के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध
छोटे भाई बहनों और पराक्रम के तृतीय भाव पर वक्री गति शुरू करेंगे। यह अवधि आपके पुराने दोस्तों और भाई बहनों से मिलने के लिए अनुकूल सिद्ध होने वाली है। साथ ही आप अपने मौज मस्ती के लिए इस समय अवधि में किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। जो जातक मीडिया, पर्यटन या संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अवधि बेहद शानदार रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए कार्य क्षेत्र पर कई अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा। बुध की इस वक्री अवस्था के दौरान प्रेमी जातक अपने आपस में विचारों को साझा करने में कुछ कठिनाइयां महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके संबंधों में समस्या आ सकती है। बुध की इस वक्री अवस्था को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था बुध का वक्री होना, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल बने हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।